माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, रवि दहिया को 1.5 करोड़, पीवी सिंधु को 1 करोड़, लवलीना बोरगोहेन को 1 करोड़, बजरंग पुनिया को 1 करोड़ और पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपक पुनिया को 50 लाख और महिला हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। मीटर फेंका, उसके बाद नौबत ही नहीं आई। 2 करोड़ की पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा के लिए। भाई को चूरमा खाना बहुत पसंद है और पीएम साहब ने चूरमा खिलाया था। जब घर जाएंगे तो मां खैर अपने हाथों से खिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। उसके बाद बुला रहा हूं हमारे रेसलिंग के सिल्वर मेडलिस्ट दोस्त रवि दहिया जी को। रेसलिंग में दोस्तों आप 3-4 तरह से मैचेस जीत सकते हैं। एक तो है पॉइंट से, दूसरा है टेक्निकल सुपीरियोरिटी से और तीसरा है पिन फॉल करके। रवि दहिया इतना बेहतरीन खेले कि पॉइंट से जीतने की नौबत ही नहीं आई। या तो इन्होंने टेक्निकल सुपीरियोरिटी लगाई यानी 10 पॉइंट की लीड बनाई, या चित किया अपने विरोधी को। इतना एक तरफा इन्होंने अपने सारे मैचेस जीते थे। तालियां कम हो गई हैं। सिल्वर मेडल है भाई के नाम और चित बहुत अच्छा करते हैं। अगर रवि के पास 1 मेडल है तो पीवी सिंधु के पास 2-2 मेडल हैं। पीवी सिंधु लेडीज एंड जेंटलमैन डबल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट, फर्स्ट फीमेल डबल ओलंपिक इंडिविजुअल मेडलिस्ट। ये तालियां रुक क्यों गई हैं भाई? 2 मेडल ऐसे ही नहीं आते ओलंपिक्स में। पद्म भूषण पीवी सिंधु, इनके पिताजी को अभी आपने देखा था, जो खुद अर्जुन अवार्डी वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं। इनकी माताजी नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं, तो खेल तो इनके जीन्स में है और उसका असर इन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया है। चलिए महिला शक्ति को ही सम्मानित करने का सिलसिला जारी रखते हैं और बुलाते हैं गुवाहाटी असम की सुपुत्री और भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन को। पहला ओलंपिक था लवलीना का और क्या कमाल का, इन्होंने दोनों के दोनों बाउट जीते थे। एक रोचक बात इनके बारे में बता दूं, इनकी 2 बहनें हैं लीचा और लीमा, वो दोनों किक बॉक्सर हैं। लवलीना भी जब छोटी थी तो किक बॉक्सिंग किया करती थी, उसके बाद इन्होंने किक हटा दिया और पूरी तरह से बॉक्सिंग में चली गई। तालियां कम हो गई हैं। इनका एक पंच खाके देखिए, सारा दिन तालियां बजाते रहेंगे आप। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के बाद इन्होंने मेडिटेशन शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को पीट सकें, और करके दिखा दिया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पुनिया भाई को। पहले दोनों बाउट में मुझे लग रहा था कि बजरंग के घुटने में चोट है, थोड़ा स्ट्रैप लगा के खेल रहे थे, थोड़ा डिफेंसिव हो रहे थे, पर जब ब्रॉन्ज मेडल का मैच आया भाई ने स्ट्रैप हटा दिया और 8-0 से एक तरफा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। इस बार भाई ब्रॉन्ज लाया है, पेरिस में गोल्ड पक्का है, वर्ल्ड नंबर 1 है बजरंग पुनिया। चलिए अब बुलाते हैं उस टीम को जिसमें 1 नहीं 16 को मिलकर खेलना होता है, 11+5 आपकी अपनी पुरुष हॉकी टीम। सबसे पहले हमारे गोलकीपर कहां है? पीआर श्रीजेश। हर एक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। सारी की सारी पुरुष टीम आ जाए। पीआर श्रीजेश भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, भारतीय हॉकी की दीवार। भाई कितने गोल इन्होंने बचाए हैं, उससे 100 गुना तालियां बजनी चाहिए। दिलप्रीत सिंह 3 गोल किए थे दिलप्रीत ने ओलंपिक्स में, 300 तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। उसके बाद नंबर आता है टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नंबर 1 स्कोरर हरमनप्रीत सिंह। कितने हैं भाई, आ जाओ आ जाओ। 6 गोल किए थे हरमन ने और कम से कम 20 बचाए थे एज अ डिफेंडर।
रुपिंदर पाल सिंह टीम के सबसे अनुभवी ड्रैग फ्लिकर, 4 गोल किए थे, बॉब द बिल्डर, की हालचाल। सुरिंदर कुमार हरियाणा के हैं और क्या कमाल के डिफेंडर हैं। आओ भाई, आपके भाई का रोज मैसेज आता है और बताते हैं कि सुरिंदर किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमित रोहिदास, इस खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां, डबल तालियां, इसलिए कि जब विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो अमित रोहिदास खुद आगे जाकर अपने शरीर पे बॉल को खाता है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आती है जो अमित रोहिदास के पैरों से टकराती है। 1 करोड़ की पुरस्कार राशि हर एक खिलाड़ी के लिए, कि जितने भोले भाले लगते हैं देखने में उतने गंभीर और उतने दिलेर खिलाड़ी हैं। बीरेंद्र लाकड़ा, एक और चैंपियन हमारे, प्लीज आते जाइए। कैप्टन को कैसे भूल सकते हैं, मनप्रीत सिंह तो हमारे साथ ही हैं। बीरेंद्र के बाद आपका नंबर है मनप्रीत। इनके लिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए। 41 साल बाद हमारे इन सूरमाओं ने हॉकी में मेडल दिलवाया है। हम में से इनफैक्ट जो आप जितने युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे भी मिला लीजिए साथ में, हमने कभी इससे पहले पुरुष टीम को या महिला टीम को पोडियम पे खड़े नहीं देखा ओलंपिक में, इन सब ने दिलवाया। मनप्रीत सिंह, बीरेंद्र लाकड़ा उनसे पहले। अब बीरेंद्र लाकड़ा भारत के उस हिस्से से हैं, छोटा नागपुर, झारखंड और उड़ीसा का वो क्षेत्र है जिसने भारत को पहला ओलंपिक कैप्टन दिया था, डॉक्टर जयपाल सिंह 1928 में। फिर वहां से विलियम खालको आए, दिलीप तिर्की आए, माइकल किंडो आए, डुंगडुंग साहब आए, बीरेंद्र लाकड़ा आए और मनप्रीत सिंह हमारी टीम के कैप्टन। मनप्रीत हैं गांव मिठापुर से और एक ही गांव मिठापुर के 3 खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और वरुण कुमार एक ही गांव से भारतीय टीम में खेले हैं, पाजी नू पता है। इसी गांव से भारत के पूर्व कैप्टन परगट सिंह भी हैं। बाकी मिठापुर वाले भी आ जाओ प्लीज। वरुण, मनदीप, वरुण कुमार, मनदीप सिंह, वरुण को जो पहला पेनल्टी कॉर्नर लेने दिया गया था, पहले पेनल्टी कॉर्नर में भाई ने गोल किया था, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और साथ में मनदीप सिंह, इनको हम प्यार से कहते हैं स्माइली सिंह, क्योंकि जब ये गोल करते हैं तो उसके बाद स्माइल बड़ा अच्छा करते हैं, उसी स्माइल से इनको आज चेक भी मिलने वाला है। मनदीप और वरुण अगर स्कोर करते हैं तो हमारे डिफेंडर्स का, हमारे मिडफील्डर्स का काम है गोल को रोकना। तो सुमित भाई हमारा कहां है, जिसका पहला ओलंपिक था और क्या कमाल का खेले थे ये। ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे नहीं बात। जितने हॉकी प्लेयर यहां मौजूद हैं, आपकी तालियां तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपको भी इसी मंच पे आना है। सुमित के बाद नंबर आता है नीलकांता शर्मा का, जो कि जिनका जन्म मणिपुर में हुआ था, थोयबा सिंह, टिकन सिंह, ब्रोजन सिंह के बाद नीलकांता शर्मा। भाई ने एक गोल भी किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। फिर उसके बाद कोथाजीत सिंह भारतीय टीम के लिए खेले और अब नीलकांता शर्मा। हार्दिक सिंह कहां है भाई की जितनी उम्र है, मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र में हम लोग सोचा करते थे कि +1 में जाके मेडिकल रखना है कि नॉन मेडिकल। उस उम्र में 2 गोल करके आ गए हैं ओलंपिक्स में। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हार्दिक सिंह जो हैं, इनके खून में हॉकी है। जुगराज सिंह का नाम सबने सुना है, ये उनके भांजे हैं। उसके बाद विवेक सागर प्रसाद, जोरदार तालियां, ये भोपाल के रहने वाले हैं जहां से बड़े बड़े खिलाड़ी भारत को मिले हैं, जिनमें समीर दाद का नाम आता है, जिनमें असलम शेर खान साहब का नाम आता है, अहमद शेर खान साहब का नाम आता है, गुरजंट सिंह, इनका भी पहला ओलंपिक है। सत श्री अकाल, ये हैं हमारे मिस्टर बैकहैंड, डी के अंदर जाके बैकहैंड से तड़ातड़ गोल करते हैं ये, टोक्यो में 3 गोल किए थे। उसके बाद नंबर आता है शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह ने टोक्यो जाने से पहले एक मैच खेला था और उसके बाद खेले टोक्यो में और वहां जाके स्कोर कर दिया। तालियां क्यों रुक गई आपकी। ललित कुमार उपाध्याय, इनके लिए तो स्टेडियम गुंजा दीजिए, बनारस के रहने वाले हैं भाई। क्या इनको हम कह सकते हैं छोरा गंगा किनारे वाला। एक हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं जिनको सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोच ने अंदर भेजा और अंदर जाने के 10 सेकंड में गोल कर दिया, सिमरनजीत सिंह, जोरदार तालियां। 3 गोल किए थे सिमरन ने टोक्यो ओलंपिक्स में। और श्रीजेश के बाद हमारे भविष्य के सुपरस्टार गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
और इसके साथ साथ जो हमारे टीम के कोचेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनका हम धन्यवाद करना भूल नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं हमारे टीम के चीफ कोच मिस्टर ग्रैहम जॉन रीड, बिग हैंड फॉर हिम, वेल डन कोच एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग इंडियन हॉकी टू द न्यू हाइट्स। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया वाले हमसे खेलने से डरते थे, अब वो समय दोबारा आ रहा है क्योंकि हमने उनसे कोच भी ले लिए हैं, ग्रैहम रीड लेडीज एंड जेंटलमैन। उनके साथ साथ हमारे एनालिटिकल कोच साउथ अफ्रीका से आए मिस्टर ग्रेग क्लार्क, थैंक यू वेरी मच ग्रेग, द फॉर्मर कोच ऑफ रांची राइनोज, नाउ द एनालिटिकल कोच ऑफ टीम इंडिया। और इनके साथ आपकी तालियां स्टेडियम को गुजा दें क्योंकि यूपी के रहने वाले और भारतीय टीम के ही कोच शिवेंद्र सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हमारे शिवा भाई डी में जाके क्या कमाल का स्कोर किया करते थे। और यूपी के ही रहने वाले टीम के एक और प्रशिक्षक पीयूष कुमार दुबे साहब, आइए आपका स्वागत है, आपके वीडियोस लगातार हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर। दोस्तों इनके साथ साथ जो दूसरे स्टाफ थे मेंबर जिन्होंने हमारी टीम को फिट रखा, उनका भी जोरदार अभिनंदन हो, साइंटिफिक एडवाइजर रॉबिन एंथनी बेविस्टर आर्किल, थैंक यू सो मच फॉर योर साइंटिफिक एडवाइस रॉबिन, फॉर कीपिंग द प्लेयर्स फिट, फॉर गिविंग अस ऑल दोज साइंटिफिक इनपुट्स अबाउट हाउ टू प्ले। हमारे वीडियो एनालिस्ट श्री अशोक कुमार साहब विरोधी टीम के वीडियोस को शूट कर करके दिखाया करते थे खिलाड़ियों को कि आपको कैसे खेलना है और कैसे उनको गोल नहीं करने देना है। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट, दोस्तों टोक्यो में इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि खिलाड़ियों के लिए फिट रहना चुनौती थी, तो हमारी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं श्री कन्नन रतिमा सामी बोस, इनके लिए जोरदार तालियां। इन सारे खिलाड़ियों को फिट रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, मेडल में इनका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे मैस्यू, हमारे मसाजर श्री अरूप नस्कर, जो खिलाड़ी जो 60 मिनट दौड़ दौड़ कर जो मसल्स पुल हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, इनकी मसाज उनको दोबारा फिट करने में सहायक होती है। जोरदार तालियां हमारी पूरी हॉकी टीम और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए। एक एक करोड़ की राशि इन सब के लिए। और अब वो हमारे साहिबान जो कि मेडल के बहुत करीब पहुंचे, सबसे पहले चतुर्थ स्थान पर रहे हमारे रेसलर दीपक पुनिया, जोरदार तालियां इनके लिए, 50 लाख की इनामी राशि उनको भी। भले ही मेडल ना आया हो लेकिन बेहतरीन रेसलिंग से दीपक ने सबका दिल जीता है भाई, अगली बार मेडल भी आएगा। इसके बाद हमारी महिला हॉकी टीम तैयार रहे। सबसे पहले मैं न्योता देता हूं हमारी गोलकीपर सविता पुनिया को, अब आपकी तालियां बजनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 55 मिनट तक सविता ने गोल नहीं खाया था, 55 मिनट तक अपने टीम के गोल को बचा के रखा था और टीम सेमीफाइनल पहुंची थी। दीप ग्रेस इक्का, टीम की लाजवाब डिफेंडर, नाम इनका ग्रेस है और उतनी ही ग्रेस से ये खेलती हैं डी के अंदर, मजाल है इनके सामने कोई गोल कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत रियली वेल प्लेड दीप ग्रेस। निशा वारसी कहां है? आपको याद होगा वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच विरोधी टीम का पेनल्टी कॉर्नर था, निशा वारसी ने सामने जाके अपने शरीर पे बॉल खाई थी लेकिन गोल नहीं होने दिया था। जोरदार तालियां भारत की इन वीरांगनाओं के लिए। निशा वारसी अगर स्कोर बचाती हैं तो इनकी एक टीममेट है जो स्कोर बचाती भी है और स्कोर करती भी है, गुरजीत कौर, सबसे ज्यादा 4 गोल किए थे इन्होंने हमारी टीम के लिए। डिफेंडर है, स्कोर करने से दूसरों को रोकती हैं और ड्रैग फ्लिकर हैं। और मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि भारतीय महिला हॉकी की इतिहास की पहली सर्टिफाइड ड्रैग फ्लिकर नीरज चोपड़ा। सबसे पहले वो सभी को नमस्ते और मैं थैंक यू करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। सच बताऊं तो अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फंस गया हूँ, इतना तो नर्वस मैं ओलंपिक स्टेडियम में नहीं हुआ था। देखिए बोलने का इतना पता नहीं है पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये आज इतना बड़ा स्टेज लगाया है और आप सभी को बुलाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी प्रदेश में आया, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे इंडिया का एक फंक्शन है।
और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहूंगा कि ये इतना जोश मुझे आगे दिख रहा है, इन्हीं में हमारे ओलंपियंस, इन्हीं में अगले मेडलिस्ट बैठे हैं, तो मैं बस आप सभी से ये कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत कीजिए और आप देश का भविष्य हैं, और मैं आप सभी का जोश देखना चाहता हूं। भारत माता की। थैंक यू। इन्होंने एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास में हिंदुस्तान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, इसके लिए पूरी जनता के तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। ऐसे वीर सपूत को जिन्होंने पैदा किया उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं नीरज चोपड़ा इससे अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान लेने का कष्ट करें। हमारे बीच में रवि कुमार दहिया जिन्होंने रजत पदक लेके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। रवि दहिया जी अपना स्थान लेंगे। हमारे बीच में पीवी सिंधु जिन्होंने इतिहास रचा है। भारत की यह पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने दो ओलंपिक में पदक प्राप्त किया है। इनके पिता स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्जुन पुरस्कार विजेता पीवी रमन्ना है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा और पीवी सिंधु को भी, उनकी माता जी भी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस बिटिया को हिंदुस्तान के लिए पैदा किया जो आज हमारे बीच में हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है। सुश्री लोलीना, ये बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त करके आसाम की रहने वाली हैं। इन्होंने आसाम का पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पूरी ये जनता 75 जिले की आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। श्री बजरंग पुनिया विश्व के नंबर एक पहलवान, ये विश्व के नंबर एक पहलवान बजरंग पुनिया ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक लेके हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में जैसा आप सब जानते हैं 1980 के बाद मास्को ओलंपिक में हिंदुस्तान को एक स्वर्ण पदक मिला था। पहले जब केवल टीम हिंदुस्तान की जाती थी तो लोग यही करते थे कि हॉकी में पदक मिलेगा और किसी खेल में नहीं मिलेगा, उसको हमारे युवा युवतियों ने नकारते हुए 6 पदक लिया, 7वां पदक हॉकी की टीम ने 41 साल बाद प्राप्त किया है। मैं उनके कप्तान मनप्रीत सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आए और हमारे 75 जिलों की जनता का अभिवादन स्वीकार करें। मनप्रीत सिंह, हमारे बीच में महिला हॉकी की टीम की कप्तान रानी रामपाल जी हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है, महिलाओं ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि सामने आए। ये बहुत गौरव का क्षण है कि इन्होंने हिंदुस्तान की महिला हॉकी का नाम बहुत रोशन किया है। उम्मीद करते हैं कि 3 साल बाद जब पेरिस में ओलंपिक होगा तो हमारी भारतीय टीम जरूर मेडल टैली पे आएगी। मैं बाएं तरफ हमारी पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं, दाहिने तरफ महिला हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा।